कि सरकारी सैयद उश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुकद्दस ये बड़ा मुश्किल है कि तलाश किया जाए कौन से इमाम का फरमान है, कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्ज़िन करबला। किसी इमाम का फरमान हो कि ना हो लेकिन पैगाम तो है। शायद आपको याद हो जुमला कि हर अच्छा कलाम इमाम का नहीं होता मगर इमाम का हर कलाम अच्छा होता है। तो चाहे इससे बहस की जाए कि कौन से इमाम का फरमान है, शायद बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है, बाज़े उलमा इसका इनकार करते हैं। ना तर्दीद की बात कीजिए ना तस्दीक की बात कीजिए, बल्कि बात कीजिए मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर तवज्जो करते हैं। इरशाद फरमाते हैं ला तंजुर इला मन काल, ये मत देखो कि कौन कहता है, बल तंजुर इला मा काल, बल्कि ये देखो कि क्या कहता है। तो कुल्लो यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरे का मतलब क्या आदाब आशूरा के एतबार से हर दिन आशूरा है कि अजान सुबह के वक्त से मातम शुरू किया जाए और शाम गरीबा से पहले फाका शिकनी हो जाए, हर रोज ऐसा करना है? यकीनन कोई भी इस अमल पर मुतमक्किन न हो सकेगा, इसलिए कि कभी कभी हो तो इबादत रहमत है, रोज हो जाए तो इबादत भी जहमत में तब्दील हो जाती है। फिर क्या मतलब है इसका कुल्लो यौमिन आशूरा? इसका आसान सा मतलब उन अकदार की पाइंदगी है, उन अकदार की पाबंदी है जिन्हें आशूरा मुहर्रम ने सरकारी सैयदुश्शहदा के अकदाम ने जिंदा कर दिया है। सलावात पढ़ ले मोहम्मद कभी कभार ये ऐसा हो जाता है। अच्छा तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मिंबर ना हिले मेरे बैठने से, बल्कि मेरे अल्फाज से मेरा ज़मीर हिले, मेरे पैगाम से साहिबान ईमान के लिए वो रास्ते आसान हों जो हम सब की निजात का बाइस हों। कुल्लो यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरा है, हर दिन आशूरा है, ईद का दिन हो आशूरा है। और जब ईद की बात आ गई तो हमारे यहाँ बाज़ मसाइल ऐसे हो चुके कि ईद का मतलब कुछ और लिया जाता है। ईद का मतलब नया लिबास पहनना, ईद का मतलब ईद की नमाज पढ़ने के लिए सुबह मस्जिद में आना, ईद का मतलब फितला निकालना, ईद का मतलब सवैयाँ वगैरह मीठा खाना घर में पकना, ईद का मतलब गले मिलना और अपने छोटों के लिए कुछ ईदी का इंतज़ाम कर लेना। तो अगर ये ईद का मतलब हो तो फिर मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस ईद के मतलब को माइनस कर दिया। इमाम फरमाते हैं ईद का मतलब कि वो दिन जिसमें इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा ले। ईद की नमाज रोज नहीं होती, फितरा रोज नहीं होता, बहुत गौर कीजिएगा, इसकी समझ में ईद का मफहूम आ गया, उसकी समझ में कुल्लो यौमिन आशूरा का पैगाम आ जाएगा। ना तो रोज ईद हो सकती है उस माना में ईद इस माना में मनाई जाती है, और ना रोज आशूरा हो सकता है उस माना में
जिस माने में 10 मुहर्रम को मनाया जाता है। लेकिन एक पैगाम देते हुए कि फर्श अज़ा को लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये एक बिछा हुआ फर्श है, खैर यहाँ की बात तो अलग हो जाएगी, ये हॉल जो है तो मस्जिद का हॉल है और मस्जिद के आदाब इमाम बारगाह के आदाब से मुख्तलिफ हैं। दस्ते अदब के साथ अपनी खिदमत में बयान करते हुए कि बहरहाल मस्जिद के आदाब, मस्जिद में तहारत शर्त है, इमाम बारगाह में विलायत शर्त है, इसलिए कि बगैर तहारत के मस्जिद में आप कयाम नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक गेट से दाखिल हो और दूसरे गेट से निकल जाए, लेकिन इमाम बारगाह में ये शर्त फिकही तौर पर नहीं है। अलबत्ता ये बहुत नामुनासिब सी बात है कि इसको इस माना में लिया जाए कि हर कस व नाकस हर किसी हालत में उठकर इमाम बारगाह चला है। कुछ तो आदाब भी हुआ करते हैं और ये आदाब रखे इसलिए गए कि वाजिबात में रखे जाते तो मुश्किल हो जाती, मुश्किल को हटाकर हुसैन ने आसानी बना दी है। लेकिन आदाब चाहिए। बारगाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में आने वाला शख्स बड़ी सुबह सुबह जल्दी उसको थी, किसी ने आकर उससे पूछा कि मुझे इमाम की बारगाह में जाना है, कहा अच्छा मैं साथ चलता हूँ। इतना जल्दी में था कि रात को जो वाकई हुई थी हालत निजासत, तो उसके गुस्ल का टाइम नहीं मिल सका था और इसी हालत में वो उस मेहमान को लिए हुए इमाम के घर का पता बताने के बहाने वहाँ तक आ गया और सोचा जब मैं आ ही गया हूं तो इमाम की ज्यारत ही कर लूं और इमाम के बज़्म में दाखिल भी हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स से इरशाद फरमा दिया कि ख्याल किया कीजिए कि ये वो घर हैं जिनके लिए खुदा ने हुक्म दिया है कि इन घरों को पाक और पाकीज़ा रखा जाए, इनमें खुदा का नाम लिया जाए। तो जैसे बारगाह मुकद्दस मासूम है, ऐसे चहरदा मासूमीन का फर्श अदा पर आना है। तो कुल्लो यौमिन आशूरा की बात और फर्श अदा से मिलाते हुए कि हर दिन इंसान जहां चाहे आशूराई कदरों को जिंदा करे तो आशूरा हो जाएगा, चाहे वो अपनी जॉब पर हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने वतन में हो, चाहे हालत सफर में हो। और अगर आशूराई अकदार को जिंदा ना करे तो 10 मुहर्रम का दिन भी आशूर नहीं है। फिर बहुत से मिलेंगे आपको 10 मुहर्रम है मगर आशूर नहीं है उनके लिए।